तो दोस्तों शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, हालांकि कुछ समय पहले कंपनी ने एक डिमर्ज किया था, अपने आप को डिमर्ज किया था। बेसिकली आप सभी को पता होगा जिनके पास भी ये शेयर था पहले, तो कंपनी ने डिमर्ज किया था। अप्रोक्सीमेटली 14 मार्च की बात है। मैं पहले थोड़ा डिमर्जेस के ऊपर थोड़ा कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नंबर समझाता हूँ कैसे क्या है। 14 मार्च को कंपनी ने अपने आप को डिमर्ज किया था। अभी तक लोगों के अकाउंट में शेयर नहीं आए हैं। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4-5 महीने होने को है, 4 महीने के आसपास होने को है कंपनी का जो शेयर है अभी तो क्रेडिट नहीं किया गया। तो कब होगा क्रेडिट? तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, अगले 2 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में शेयर जो है वो क्रेडिट होते हुए देख सकते हैं, और शेयर लिस्ट होता हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा अगस्त एंड तक आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। हालांकि शेयर तभी आएंगे जब लिस्ट होने वाला होगा, उसके एक दिन पहले ही आते हैं शेयर आपके अकाउंट में, उससे पहले नहीं आएंगे। लेकिन याद रखिए अगस्त एंड तक शेयर लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो खुशी वाली बात है कि अगस्त एंड तक, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे आपके जो शेयर है जो लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है डिमर्जर से। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 1418 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के, तो पिछले साल 1462 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू गिर के 1200 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1199 करोड़ के आसपास का खर्च किया था, पिछले साल 1385 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1069 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी कम हुए हैं, जैसा कंपनी ने एक्सपेंस कम किया, सॉरी रेवेन्यू कम किया है, वैसा ही कंपनी का एक्सपेंस भी कम होता हुआ आपको देखने को मिला। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 380 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 109 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 171 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखा जाए तो साल दर साल अभी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो गिरावट है, हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में बहुत सारे पैसे बचे हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। EPS की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 8 रुपये का EPS था, पिछले साल 2.35 रुपये, अभी देखें तो 3.68 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करूँ तो नंबर कुछ खास नहीं है, जो कि आपको दिख गया होगा कि कंपनी का रेवेन्यू गिर गया है। जब से बड़ी बात वही है कि कंपनी का रेवेन्यू गिरना एक बड़ी बात होती है, और साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 18-19% के आसपास की गिरावट है। अब क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट एक निगेटिव होती है, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी गिरावट या कुछ होने वाली है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी 100 रुपये के लेवल पर बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है। तो 100 रुपये बहुत सेफ जोन है, अगर आपको 95 के आसपास मिले अगर शेयर तो बिल्कुल बाय कीजिए, बिल्कुल ऐड कीजिए, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी 95 से 90 के बीच में ऐड करने का। ऊपर अगर जाता है तो वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऊपर अभी जाएगा। जब तक शेयर लिस्ट नहीं होता है तब तक शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।